हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन बॉक्स स्मार्ट एकेडमी। तो आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी कैबेज सेमिलूपर के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें कैबेज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो कैबेज को पत्ता गोभी बोलते हैं जो सभी अपने घरों में बनाते हैं, और आजकल कैबेज इसीलिए कैबेज की बात हो रही है क्योंकि कैबेज सभी आजकल अपने घरों में लगाएंगे, स्पेशली जो गाँव में नर्सरीज वगैरह में जो भी है तो ये आजकल कैबेज लगाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैबेज इज़ अ कोल क्रॉप। तो अब आप पूछोगे कि कोल क्रॉप क्या चीज़ है। तो जो कोल क्रॉप है दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम वर्ड कॉलिस। कॉलिस का मतलब होता है स्टेम। तो जो कोल क्रॉप है उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स आती है, जैसे कि कैबेज हो गया, ब्रूसल्स स्प्राउट हो गया, नूल खोल हो गया, केल हो गया, ये सारे कोल क्रॉप्स ही तो है। और उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अलग अलग इनकी सीड प्रोडक्शन होती है, जैसे सीड टू सीड वैसे ही हेड टू सीड। तो ये अलग अलग सीड प्रोडक्शंस होती है। ये तो एक बहुत ही बड़ा वाइड टर्म्स है और इसकी बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है जो हम अलग ही एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें तो सिर्फ हमें डिस्कस करना है कैबेज के बारे में। लेकिन कैबेज से पहले हमें पता है कि जो कोल क्रॉप्स है वो बाइनियल होते हैं अगर हमें सीड की प्रोडक्शन करनी है, और अगर हमें सीड प्रोडक्शन नहीं करना है, कंज्यूम करने के लिए है, खाने के लिए चाहिए, तो हम वो एनुअल क्रॉप होती है। तो जो कैबेज होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रासिकेसी ओलरेसी वार कैपिटेटा, और उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 18। ओरिजिन कहाँ से है कैबेज का? मेडिटेरेनियन रीजन से ओरिजिनेट हुई है। और जो कैबेज है, अब आपको पता है कि जो आप कैबेज खाते हो, जो कैबेज लीव्स होते हैं उसमें जो फ्लेवर होता है दैट इज़ ड्यू टू ग्लूकोसाइड, जिसको बोलते हैं सिनेग्रिन। और आपको पता है जो पॉइजनस मशरूम्स होती है, जब उसको आप रेमेडी अगर उसके लिए यूज़ करेंगे तो वो कैबेज जूस ही होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर पॉइजनस मशरूम। फिर हमें ये भी पता है कि जो कैबेज होती है उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। अलग अलग वेराइटीज़ में जैसे गोल्डन एकल कैबेज की बहुत ही अच्छी वेराइटी है। एक फर्स्ट ट्रॉपिकल वेराइटी जो इंडिया में है कैबेज की, दैट इज़ पूसा अगेती। तो ये हो गए कैबेज की बात। अब हम बात करेंगे कैबेज के पेस्ट की। जो कैबेज के पेस्ट हैं, जैसे डीबियम भी है, डायमंड बैक मॉथ, वैसे ही कैबेज बटरफ्लाई भी होती है, वो भी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है कैबेज को। और हमें पता है कैबेज हेड बोरर भी होता है, वो भी बहुत डैमेज करता है कैबेज को। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करने वाली हूँ कैबेज सेमी लूपर के बारे में, या फिर लूपर भी बोल सकते हैं। पर इनमें डिफरेंस क्या है सेमी लूपर और लूपर में? सिर्फ डिफरेंस है प्रोलेग्स का। अब ये जो प्रोलेग्स होती है वो उनके एब्डोमिन में होती है, तो एब्डोमिनल प्रोलेग्स भी बोलते हैं हम उनको। तो ये टर्म्स ज़्यादा टर्म्स ये वैसे नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आती है, तो लेकिन जो इस इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ रहा है उनके लिए ये बहुत इजी होगा टॉपिक देखने के लिए। तो जो कैबेज का ये सेमी लूपर है उसके जो एब्डोमिनल प्रोलेग्स होती है वो होती है ऑन द सेगमेंट 6th and 10th segment पे प्रेजेंट होती है प्रोलेग्स, और 3 pair ऑफ थोरासिक लेग्स तो होती ही है प्रेजेंट। फिर हमें पता होना चाहिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एग्स का कलर कैसा होता है। जो एग्स थे वो ग्रीन वाइट कलर के होते हैं और वो वेंट्रल सर्फेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वेंट्रल सर्फेस है, आपको पता है कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल पार्ट जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और एक हो गया वेंट्रल सर्फेस जो नीचे वाला पोर्शन है, वहाँ पे उसके एग्स होते हैं और सिंगली ले करते हैं उनको। फिर आ गया हमारा लार्वा। तो लार्वा का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और अभी लेग्स की बात की थी, अगर वो 5th, 6th या 10th segment पे पेयर होगा लेग्स का तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेमी लूपर और लूपर हो जाएगा। और सेमी लूपर के लिए 6th और 10th segment पे प्रेजेंट होगी उसके एब्डोमिनल प्रोलेग्स। फिर आ गया हमारा प्यूपा। तो इसका ट्रांसपेरेंट कुकून होता है प्यूपा। अब देखो जो मौत होते हैं उनमें होते हैं कुकून, और जो बटरफ्लाई होते हैं उनके प्यूपा को हम बोलते हैं क्राइसालिस। तो इस केस में कुकून है, ट्रांसपेरेंट कुकून, वो भी वेंट्रल सरफेस पे। फिर आता है हमारा एडल्ट। तो जो इनके एडल्ट होते हैं
जो इनका हेड और थॉरेक्स पोर्शन होगा दैट इज ब्राउन इन कलर, और जो उसका एब्डोमेन होगा दैट इज वाइट विद बेसल टफ्ट ऑफ हेयर जो प्रेजेंट होते हैं उसके एब्डोमेन पे। अब हमें पता होना चाहिए कि जो डैमेज होता है वो कैसा होता है इसका। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब कोई बेचारा फार्मर है तो उसके नर्सरी पे ये डैमेज आया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेमी लूपर का ही डैमेज है, और सेमी लूपर और लूपर के डैमेज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो अगर आपके जो लीव्स है वो डीफोलिएट हो रही है, गिर रही है, डीफोलिएशन हो रही है, तो वो आपका सेमी लूपर की वजह से होगा। फिर अगर लार्वा दिख रहे हैं आपको फीड करते हुए तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सेमी लूपर है या लूपर है। फिर हमें पता होना चाहिए कि इनका एक और मेन डैमेज सिम्टम है दैट इज स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग कर देता है ये लीव्स की स्क्रैपिंग। अब आपको पता ही है कि पत्ते के ऊपर का पोर्शन कवरिंग को वो स्क्रैप कर रहा है तो उसी को हम बोल रहे हैं स्क्रैपिंग इस केस में। फिर हमें पता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डैमेज कैसे होते हैं, अब इनको आप कैसे कंट्रोल करोगे, मैनेज कैसे करोगे, तो अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है अब इसकी पेस्ट की, तो वो आप सिंपली या तो हैंड पिक कर दो और डिस्ट्रॉय कर दो कैटरपिलर को। अगर ये नहीं है, आपको और ऑप्शन चूज़ करना है, तो दूसरा ऑप्शन है लाइट ट्रैप्स इंस्टॉल कर दो, वो भी इजी है। आपके जो एडल्ट्स होंगे, मॉथ होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे लाइट ट्रैप की तरफ। और उसके बाद आता है अगर आपको ये भी यूज़ नहीं करना है और आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, तो जैसे मेलाथियन यूज़ कर सकते हो आप 0.1%, और अगर ये भी यूज़ नहीं करना है तो क्विनाल फॉस भी यूज़ किया जा सकता है 0.5%। तो इस तरीके से आप इस पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही साथ अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी आगे के वीडियोस होगी उसमें भी मैं डिस्कस करूँगी पेस्ट और वेजिटेबल क्रॉप्स के भी और कैबेज के भी, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम सभी को। साथ ही साथ एक अलग वीडियो में हम सीड प्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग ब्रेन बॉक्स स्मार्ट अकेडमी।